हेलो एवरीवन, मैं हूं क्रैकी एंड वेलकम टू ईस्पोर्ट्स इन 5। इस शो में हम नजमाने वाले हैं वर्ल्ड ऑफ ईस्पोर्ट्स में हो रही सारी चीजों के ऊपर इन जस्ट अंडर 5 मिनट्स। सो बिना किसी देरी के लेट्स गो। बॉट लाइक ईस्पोर्ट्स ने तनिष्क एडमिनो सिंह का अपने BGMI रोस्टर में एडिशन अनाउंस कर दिया है। इससे पहले एडमिनो OR ईस्पोर्ट्स का हिस्सा थे। BGMI एथलीट आदित्य माते ने गॉड लाइक ईस्पोर्ट्स से वेज पार्ट कर लिए हैं और टीम 8bit ज्वाइन कर ली है। मेडल ईस्पोर्ट्स ने अनाउंस किया कि BGMI एथलीट जयदीप क्योया मांकड़ ने और को रीज्वाइन कर लिया है। ओरांगुटान ने अनाउंस किया है कि कोच विदांग वेद शवन ने उनका BGMI रोस्टर ज्वाइन कर लिया है। वेद ने जनवरी 2024 में ओरांगुटान से गॉजरिन को ज्वाइन किया था। कार्निवल गेमिंग ने अनाउंस किया है कि उन्होंने फ्री फायर कंटेंट क्रिएटर AS गेमिंग AKA साहिल राणा को उनके फर्स्ट कंटेंट क्रिएटर के रोल में ऑन बोर्ड कर लिया है। AS गेमिंग के यूट्यूब चैनल पर 20.1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। लखनऊ जायंट्स ने अपना BGMI रोस्टर अनाउंस कर दिया है। इस रोस्टर में शामिल है रेडॉक्स, स्टिंगर, डी सिंह, साइक्लोन और फ्रेंजी। इसके पहले ये प्लेयर्स हैदराबाद हाइड्राज अकेडमी का हिस्सा थे। रेवेन्यू ईस्पोर्ट्स ने BGMI एथलीट कुशल सिंह जायसवाल को फेयरवेल बिट किया। सिंह ने नवंबर 2023 में लखनऊ जायंट से रेवेन्यू ईस्पोर्ट्स को ज्वाइन किया था। वैलोरेंट मास्टर्स मैड्रिड के प्लेऑफ्स खेले गए 21 से 24 मार्च तक। 21 मार्च के मैचेस में जिंजी ने पेपर एक्स को 2-0 से हराया और सेंटिनल्स ने लाउड को 2-1 से हराया। 22 मार्च को अपर ब्रैकेट फाइनल में जिंजी ने सेंटिनल्स को 2-1 से हराया और ग्रैंड फाइनल्स में अपना स्लॉट पक्का किया। और दूसरी तरफ लोअर ब्रैकेट सेमीफाइनल में पेपर एक्स ने लाउड को 2-0 से हराया। 23 मार्च को लोअर ब्रैकेट फाइनल में एक बेस्ट ऑफ 5 सीरीज में सेंटिनल्स ने पेपर एक्स को 3-1 से हराया और ग्रैंड फाइनल्स में अपना स्लॉट पक्का किया। 24 मार्च को एक बेस्ट ऑफ 5 सीरीज में ग्रैंड फाइनल्स में सेंटिनल्स ने जिंजी को 3-2 से हराया और वैलोरेंट मास्टर्स मैड्रिड के चैंपियंस बन गए। क्राफ्टन इंडिया ने होली के ओकेजन पे होली फेस ऑफ इवेंट होस्ट किया। इस इवेंट में हमें फैन फेवरेट BGMI कंटेंट क्रिएटर्स पेलोड मोड और अरीना बैटल्स में एक दूसरे से मुकाबला करते हुए दिखाई दिए। ये टूर्नामेंट जीता रेड पैरासाइट ने। टीम रौनक बने रनर्स अप और टीम मावी बने सेकंड रनर्स अप। गमला बॉय ने जीता मोस्ट फिनिशेस का अवार्ड। ईस्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में खेले जाने वाले टाइटल्स में ईएसपोर्ट्स FC24 भी शामिल हो गई है। ईस्पोर्ट्स वर्ल्ड कप होने वाला है इस समर में रियाद सऊदी अरेबिया में। गेम डेवलपर ईएसपोर्ट्स ने एक रिलीज में कंफर्म किया कि ड्रीमहैक इवेंट्स ईस्पोर्ट्स वर्ल्ड कप के क्वालिफायर्स का रूप निभाएंगे। सोनी ग्रुप कॉर्पोरेशन ने ईस्पोर्ट्स वर्ल्ड कप फाउंडेशन के साथ एक मल्टी ईयर पार्टनरशिप अनाउंस करी। इस कोलैबोरेशन के मुताबिक रियाद सऊदी अरेबिया में होने वाले इनऑगरल ईस्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में सोनी एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा। सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट बिहाइंड द सीन्स डॉक्यूमेंट्री सीरीज क्रिएट करेगा जो कि कॉम्पिटिशन में खेलने वाले प्लेयर्स और खेली गई गेम्स को शोकेस करेगी। साथ ही कंपनी का म्यूजिक डिवीजन सोनी म्यूजिक एंटरटेनमेंट ईस्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2024 के लिए एंथम प्रोड्यूस करेगा। वैलोरेंट मास्टर्स मैड्रिड के फाइनल डे पर हुए शो मैच में हमें नया एजेंट क्लोव एक्शन में देखने को मिला। रायट गेम्स ने वैलोरेंट के एजेंट 25 क्लोव के लिए लॉन्च ट्रेलर और गेम प्ले रिलीज किए हैं। क्लोव गेम के पहले नॉन बाइनरी एजेंट होंगे और उनकी एबिलिटीज काफी एक्साइटिंग है। क्लोव की सी एबिलिटी का नाम है पिक मी अप। ये एबिलिटी यूज करने पर क्लोव अपने फॉरन एनिमीज की लाइफ एनर्जी अब्सॉर्ब करते हैं और उन्हें टेम्परेरी एजिलिटी और हेल्थ बूस्ट मिलता है। क्लोव की क्यू एबिलिटी है मेल्ट, जो एक सिंपल डीबफ एबिलिटी है। ये एबिलिटी यूज करने पर क्लोव इमोर्टैलिटी एसेंस का फ्रैगमेंट फेंकते हैं जो एक सेट टाइम के बाद इरप्ट होता है और वो हिट हुए एनिमी को डीबफ कर देता है। क्लोव की ई एबिलिटी है रियूज। रियूज पोस्ट एलिमिनेशन स्मोक्स हैं जो क्लोव अपने पॉइंट ऑफ एलिमिनेशन से एक शॉर्ट रेंज में डिप्लॉय कर सकते हैं। क्लोव की अल्टीमेट एबिलिटी है नॉट डेड येट और वो क्लोव को राउंड में एलिमिनेट होने के बाद रिवाइव कर सकते हैं। अगर क्लोव एक राउंड में मर जाए और उनकी अल्टीमेट रेडी है, उनको कपल ऑफ सेकंड्स मिलेंगे खुद को रिजरेक्ट करने के लिए। लेकिन रिजरेक्ट होने के बाद जिंदा रहने के लिए उन्हें शॉर्ट टाइम में एक किल या असिस्ट अर्न करना होगा। इन एबिलिटीज के इन डेप्थ ब्रेकडाउन के लिए पेंटा ईस्पोर्ट्स के चैनल से जुड़े रहिए। हम ला रहे हैं आपके लिए एजेंट का अर्ली एक्सेस कंटेंट। BGMI ने 5-time IPL चैंपियन टीम मुंबई इंडियंस के साथ कोलैबोरेशन अनाउंस किया। इस कोलैबोरेशन के अंदर हमें DP28 स्किन, एक बैकपैक स्किन, एक दासिया स्किन और एक आउटफिट जैसे नए आइटम्स देखने को मिलेंगे। ये आइटम्स 3.1 अपडेट के साथ अवेलेबल होंगे जो कि 27 मार्च को रिलीज के लिए स्केड्यूल्ड हैं। ईस्पोर्ट्स लाउंज नेटवर्क ट्रू गेमर्स ने अबू धाबी UAE में एक लार्ज स्केल ईस्पोर्ट्स आइलैंड बनाने के प्लान्स अनाउंस किए हैं। इस ईस्पोर्ट्स आइलैंड का एस्टिमेटेड कॉस्ट होगा तकरीबन $280 मिलियन। इस आइलैंड में ट्रेनिंग फैसिलिटीज, एक टूर्नामेंट वेन्यू, कंटेंट क्रिएशन स्पेसेस और ईस्पोर्ट्स और गेमिंग प्रोफेशनल्स को अकोमोडेट करने के लिए होटल्स होंगी। मैं अभी रॉनिन ईस्पोर्ट्स की बूट कैंप के लिए आइलैंड भाड़े पे ले रहा हूं। सच्ची? कांग्रेचुलेशंस यार, फोटोज तो दिखा। वेट फॉर द प्रेस रिलीज। आई स्पेंट 3 मिलियन ऑन मेकिंग द बेस्ट बूट कैंप। ब्रेकिंग न्यूज, हम लाए हैं ईस्पोर्ट्स की दुनिया से एक सनसनी एक्सपोज। ये तो स्क्रिप्ट में नहीं है। रॉनिन ईस्पोर्ट्स के $3 मिलियन बूट कैंप के फोटोज लीक हुए हैं। क्या रॉनिन ने इन्वेस्टर्स के साथ $3 मिलियन का स्कैम किया है? ये करना जरूरी था।
हाईली एंटिसिपेटेड टाइटल कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरज़ोन मोबाइल 21 मार्च को iOS और Android पर ग्लोबली रिलीज हुई। ये गेम खराब ग्राफिक्स, साउंड डिजाइन, बग्स और परफॉर्मेंस इश्यूज के लिए क्रिटिसाइज हो रही है। इसकी वजह से गेम को गूगल प्ले स्टोर पर 1.8 स्टार रेट किया गया है। और इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त होता है। ओ वेट, पेंटा पॉडकास्ट का 9th एडिशन आ गया है। इस बार हमने बात करी पॉपुलर शाउटकास्टर और कंटेंट क्रिएटर ओशन शर्मा से अबाउट थिएटर, इसरो, शाउटकास्टिंग, BGMI, IPL, BGMI टीम परफॉर्मेंसेस, म्यूजिक, हॉबीज एंड और भी बहुत कुछ। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। क्या हमने कोई खबर मिस की है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को जरूर फॉलो करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। आप हमें रूटर और ट्विच पे भी फॉलो कर सकते हैं। और ईस्पोर्ट्स के बारे में अगर और बातचीत करनी हो तो हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को जरूर ज्वाइन कीजिए। हमारे प्लेटफॉर्म को डेफिनेटली विजिट करें। इसी के साथ मैं कहूंगा गुड बाय और आपसे मिलूंगा अगले हफ्ते।